So students, let's start this video. And we know in this video that how can we print ascii codes, means ascii values. Okay, तो आइए देखते हैं कि ascii values हम कैसे print करा सकते हैं python पर. और ये question पूछा जाता है बार बार, interviews में भी काफ़ी पूछा जाता है और आपके जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें काफ़ी ये क्वेश्चन आता है. तो आइए एक बार देखते हैं कि हम ascii वैल्यू कैसे प्रिंट करा सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले न्यू पेज ले लेते हैं. पाइथन पर हमें ascii वैल्यू का पैटर्न प्रिंट कराना है और ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट कराना है. तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, एन. एन इज इक्वल टू इंट इनपुट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इंट इनपुट. और क्या हमें स्क्रीन पर दिखना चाहिए? यहाँ पर इनपुट होगा, स्क्रीन पे हमें दिखना चाहिए एंटर द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज. ठीक है, बंद करेंगे इसको. इसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर अब हमें लूप लगाना है. हम फॉर लूप लगाएंगे, यहां लिखते हैं हम फॉर. ठीक है, और लिखेंगे आई इन रेंज. ठीक है, आई इन रेंज लिख दिया हमने. और यहां पर किसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है हमें? एन की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, यहां एन लिख दिया हमने. ठीक है, और यहां पर लगाएंगे कोलन. और कोलन लगाने के बाद जब नीचे आएंगे तो अब हमें प्रिंट क्या करवाना है? तो यहां लिखेंगे प्रिंट. ठीक है, और हमें प्रिंट करवाना है कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है. तो सी एच आर लिखिएगा आप, सी एच ए आर मत लिखिएगा. ठीक है, तो सी एच आर लिखिएगा. और यहां पर डबल ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आगे हम यहाँ पर, ठीक है, तो सी एच आर लिखिएगा. और यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना है 65, चूँकि ascii वैल्यू 65 से स्टार्ट होता है. ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 85 कर देता हूँ, 85. ठीक है, 85 कर दिया हमने. 85 करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट और देना पड़ेगा हमें, यहाँ पे सी एच ए आर, चूँकि यहाँ डबल ब्रैकेट हमने लगा रखा है, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाएंगे. और यहाँ पे लिखेंगे 85 प्लस, ठीक है, आई, बंद करेंगे ब्रैकेट को. इसमें हम करेंगे प्लस, और चूँकि हमें गैप भी प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर एक बार गैप दे देंगे सिंगल वोटेड कोर्स में. ओके, और इसको करेंगे क्लोज. क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, यहां मल्टीप्लाई करना है इसको आई प्लस वन से. ठीक है, तो यहां आई प्लस वन कर देते हैं. और इसके बाद इस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज. तो ये क्लोज करने के बाद जब इसको सेव करना है, अब तो इसको सेव करते हैं. आइए यहां से इसको मैंने सेव किया, मैं यहां पे लिखता हूं ascii डॉट पी वाई. आइए देखते हैं ये प्रोग्राम चलता है या नहीं. यहाँ पे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, मैं यहाँ फोर रोज एंटर करता हूँ. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये प्रिंट होकर आ रहा है. ठीक है, ये पैटर्न तो 85 से मैंने किया है, 85 से. तो अगर आपको ascii वैल्यू पता है कि 85 की ascii वैल्यू क्या होती है, 85 की ascii वैल्यू होती है यू, 86 की होती है वी, और 87 की होती है डब्ल्यू, और 88 की होती है एक्स. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं इसको दोबारा से रन करवाता हूँ. इसको जैसे ही मैंने रन करवाया तो यहाँ फिर पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज. अब हमको कितने ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट कराने हैं, रोज कितने होने चाहिए. अगर 8 रो मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये सिंबल भी प्रिंट होकर आ रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये सिंबल भी प्रिंट हो जाएंगे. ठीक है, ascii वैल्यू में सिंबल भी आते हैं. तो इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं. तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.